नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। पहले तो दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की कैपिटल हिल की घटना ने पूरी दुनिया को हैरान किया था, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स दुख जताए थे। और अब दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हुई ये घटना के बाद ये बात उठने लगी है कि क्या दुनिया में गणतांत्रिक व्यवस्था इतने कमजोर होती है। और इस घटना के बाद तो पूरी दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बनकर रह गया है। क्योंकि ये घटना 26 जनवरी के दिन हुई, इसलिए फॉरेन मीडिया दिल्ली हिंसा को बड़े पैमाने पर कवर कर रहा है। और अब चाइना इस घटना को लेकर भारत को एक वैसे ही दुष्प्रचार कर रहा है जैसे उसने अमेरिका की कैपिटल हिल वाली घटना के बाद अमेरिका की गणतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बताते हुए निशाना साधा था। वैसे तो अमेरिका की कैपिटल हिल वाली घटना पर जैसे दुनिया की अलग अलग देशों के लीडर ने दुख जताया था, वैसा कुछ दिल्ली में हुई घटना को लेकर देखने को नहीं मिला। इससे ये पता चलता है भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और कोई भी बाहरी देश फिलहाल भारत की इन मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन चाइना की तरफ से दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में प्रतिक्रिया आ गई है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बेंगलोर के एप्पल प्लांट में हुई हिंसा को एनआरसी हो या क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, चाइना हमेशा से ही भारत के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी करता आया है। इस बार भी चाइना ने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट किया है जिसका टाइटल था फार्मर प्रोटेस्ट रिप्लेस इंडिया डोमेस्टिक चैलेंजेस, यानी किसानों का आंदोलन भारत की घरेलू चुनौतियों को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एक तरफ भारत 26 जनवरी को दिन दुनिया को सैन्य ताकत दिखा रहा था तो दूसरी तरफ भारतीय किसानों ने लाल किले में तोड़फोड़ मचाई हुई थी। आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि मोदी सरकार को कई अंदरूनी चुनौतियों का आज की डेट में एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी, फिर किसान आंदोलन और बॉर्डर पर चाइना के साथ LAC का विवाद। और आर्टिकल में भारत को ये सलाह दी गई है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को दबाने के बजाय भारत अंदरूनी मामले में ही सुलझाने के बारे में सोचे। चाइना की इस आर्टिकल के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे सबसे पहले।